हेलो फ्रेंड्स, आप सब कंक्रीट के बारे में जानते हैं क्या? कंक्रीट में जो मटेरियल यूज़ होता है उनका टेस्टिंग के बारे में जानते हैं? चलिए आज हम लोग जानते हैं एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में। एक्चुअल इम्पैक्ट वैल्यू इसलिए टेस्ट होते हैं कि द इम्पैक्ट वैल्यू गिव्स रिलेटिव मेजर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू सडन शॉक और इम्पैक्ट। अगर कंक्रीट में सडन कोई शॉक या इम्पैक्ट आया तो वो एग्रीगेट कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, उसी को जानने के लिए हम लोग एग्रीगेट का AIB टेस्ट करते हैं। और मैंने AIB टेस्ट करने के लिए रेफरेंस लिया है IS-2386 पार्ट 4 एंड IRC इंडियन रोड कांग्रेस का स्पेसिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, अभी टेस्ट चालू करते हैं। मैंने कुछ एग्रीगेट सैंपल यहाँ लिया है और सैंपल में थोड़ा सा मॉइस्चर है, इनको थोड़ा हीटिंग करना पड़ेगा। ये है AIV इंस्ट्रूमेंट जो AIV टेस्ट में लगते हैं, और ये है मोल्ड और टैंपिंग रोड भी है। तो ये है डिजिटल बैलेंस, ये है GI सिप जो 12.5 mm और 10 mm चाहिए, और नीचे पैन है, और ये है ब्रश सिप जो 2.36 mm का चाहिए और जिसमें पैन भी रखा हुआ है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा मॉइस्चर है एग्रीगेट में, तो 100 to 110 degree टेम्परेचर में 4 आवर के लिए मैंने सैंपल रखा था, आप लोग देख सकते हैं, और ये टेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके फ्रेंड्स, अभी सैंपल को सीविंग स्टार्ट करते हैं। आप सीविंग के लिए मैनुअली सीविंग कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिकल सिप सेकर होते हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 12.5 का रिटर्न सैंपल है, इनको हमको नहीं चाहिए, मैं इनको यहाँ से हटा देंगे। एक्चुअली हमको 12.5 का पासिंग और 10 mm जो रिटेन है उनको चाहिए। अभी जो 10 mm में हमने सीविंग कर रहे हैं इनमें जो रिटेन होगा उसी को हम टेस्ट करेंगे। सैंपल अभी ऑलमोस्ट रेडी, अभी इनको मोल्ड में लेंगे टेस्टिंग के लिए। अभी जो सैंपल मैंने रेडी किया था उसी सैंपल को जो मोल्ड है इसी मोल्ड में 3 लेयर में भरेंगे एंड पर लेयर 25 नंबर्स स्ट्रोक करेंगे। मैं जो टैंपिंग रोड यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टैंपिंग रोड होता है। ये 10 mm का डायमीटर होता है और 230 का लॉन्ग होता है, और वन साइड में थोड़ा राउंडेड होता है जो प्रॉपर टैंपिंग के लिए यूज़ होता है। टैंपिंग के बाद जो टॉप सरफेस है उनको इक्वल प्रॉपरली लेवल कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स, सैंपल जो मोल्ड हमने भरा था उनका मोल्ड प्लस सैंपल का वेट लेंगे, जो आप देख सकते हैं कि कितना वेट आया है। इनको हम लोग एक पेपर में नोट डाउन करके रखेंगे। उसी सैंपल को जो AIV अपरेटस है उनका जो बेस मोल्ड होता है बेस मोल्ड में प्रॉपरली
फिलअप भर देंगे उसमें। अभी M28 का जो वेट है वो नोट डाउट करके रखेंगे। फ्रेंड्स अभी टेस्ट चालू करेंगे और जो हैमर है वो हैमर में फ्री फॉल करेंगे, ऊपर से 15 नंबर्स ब्लो करेंगे जो सैंपल है उसी का ऊपर। प्रॉपरली ब्लो हो जाने के बाद जो बेस से सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और उसी सैंपल को 2.36 का जो ब्रश से लिया था उसी में प्रॉपरली सीविंग करेंगे। फ्रेंड्स सीविंग के टाइम में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम हर टाइम जो कवर होता है टॉप कवर होता है उनको यूज़ करेंगे क्योंकि ये डस्ट थोड़ा सा बाहर आ सकता है, इसी के लिए प्रॉपर वेट नहीं मिलेगा तो इनको यूज़ करना जरूरी है। अभी हमको क्या है जो पासिंग है 2.36 सीविंग का उनको जो वेट आया है वो देखेंगे, उनका वेट आया है 45.5 mm और इनको एक नोट में पैड में नोट करके रखेंगे। अभी देखेंगे टेस्ट रिजल्ट क्या आया है, जो एम्प्टी वेट मोल्ड था उनका वेट लिख देंगे 750 ग्राम और जो सैंपल प्लस मोल्ड का वेट था वो 1155.5 ग्राम। अभी सैंपल निकालना है, इनको ये डिनेट करेंगे तो 1155.5 - 750 इक्वल टू 405.5 ग्राम। अभी हम क्या करेंगे 2.36 mm सिप में जो पासिंग हुआ है उनका वेट लिखेंगे, उनका वेट था 45.5 ग्राम। अभी हमको इम्पैक्ट फ्लो निकालना है तो बी डिवाइड बाई ए इंटू 100, तो इनका टोटल कैलकुलेशन करने से आता है 11.22%। का ये जो 11.22% इम्पैक्ट वैल्यू है ये सही है? यस, ये रिजल्ट एक्सेप्टेड है क्योंकि आइस कोट के हिसाब से इनका AIV का जो लिमिट है 30% होना चाहिए वायरिंग सरफेस के लिए एंड नॉन वायरिंग सरफेस के लिए 45% मैक्सिमम होना चाहिए। सो जो टेस्ट रिजल्ट निकला है ये टेस्ट रिजल्ट प्रॉपरली ओके है एंड एक्सेप्टेबल है। हर सैंपल का दो दो टेस्ट करना चाहिए, उनका एवरेज जो आएगा रिजल्ट उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। काइंडली सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को।